रियासत अली साहब, ये फरमाइएगा कि कल की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चंद इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं इस केस के हवाले से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि जो ये कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट हुई, इसमें बज़ाहिर दो पार्टीज नज़र आती हैं, एक तो जजेस हैं, सिटिंग जजेस ऑफ दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और दूसरी तरफ इस मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो हाई कोर्ट के जजेस 6 हैं, इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अख्तियार तो हमेशा से था। आखिर इन जजेस ने क्यों वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो राइट था उनके पास, उसको इस्तेमाल नहीं किया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 और आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, उनके पास ये कंटेम्प्ट का अख्तियार है, वो कर सकते हैं और कर सकते थे, क्यों नहीं किया, इसके पीछे रीजन है। पिछला साल आप देखे कि मुल्क बड़ी हिजान की सूरत हाल में रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी क्वेश्चन था, ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन और बहुत सारे मामला थे, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी थी इस कंट्री के अंदर, हालात ऐसे नहीं थे। आई थिंक सो वो जजेस साहबान ने फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, फॉर द बेटरमेंट सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, आई थिंक सो वो ये चाहते थे कि ये इंटरनली इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के साथ ये मामला हमारे दरमियान सेटल हो जाए। इसके पीछे ये रीजन हो सकती है कि मुल्क के अंदर एक हमारे मुल्क की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है, आल दो वो बड़ी पावरफुल एजेंसी है, इसका इमेज बाहर खराब होता, लेकिन जो कि अब हो भी गया लेटर के लीक होने की वजह से।